स्वागत है आप सभी अंग बड़े का फिर से एक नई वीडियो में। आप लोगों को आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आप लोगों को देने वाले हैं कैबिनेट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां। आप लोगों को बता दें जो हम लोगों को 26 तारीख को होने वाली कैबिनेट बैठक है, क्या इसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को मानदेय में वृद्धि किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पर हम लोग मुख्य विचार हम लोग आज डालेंगे, क्योंकि हम लोग के पास बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। और आप लोगों को बता दें इस कैबिनेट आगामी कैबिनेट में आप लोगों के मानदेय में वृद्धि होगा या नहीं होगा, ये 100% आप लोगों को इसमें हम लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग संतुष्ट हो जाइएगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, वीडियो में आगे हम लोग बढ़ते हैं, फटाफट से जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। आप लोगों को हम बता दें, अगर आप लोगों को ज्ञात नहीं है तो आप लोग बता दें कि निदेशालय के दौरान ये बिहार सरकार के द्वारा पहले ही निर्देश निकल चुका है कि 26/12/2023 को मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे से कैबिनेट बैठक होना है। तो ये हम लोगों का परसों यानी कि मंगलवार को कैबिनेट बैठक होना है, ये निश्चित है। तो मंगलवार कैबिनेट बैठक होगा, लेकिन इसमें क्या आंगनबाड़ी की चर्चा होगा या नहीं होगा, या होगा भी तो क्या हम लोग के जो पिछली बार कहा गया था 10% आप सभी के मानदेय में वृद्धि किया जाएगा, क्या उस आधार पर किया जाएगा या तो एक नए मुद्दे पर किया जाएगा, इसके लिए हम लोग विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे पास और भी हमारे पास लेटर आ चुका है, चलिए हम लोग प्राप्त करते हैं। देखिए, सबसे पहले बता दें आप लोगों को कि चयन मुक्ति संबंधित सूचनाएँ आप सभी को बहुत ज़्यादा मिल रहा है कि चयन मुक्ति को वापस ले सरकार। देख सकते हैं आप लोग की सेविका सहायिका की चयन मुक्ति वापस ले सरकार, ये लगातार सेविकाओं के द्वारा उनके संघ के द्वारा ये गुहार लगाया जा रहा है। देखिए, दलित सेना के प्रदेश महासचिव कृष्णा पासवान, देख सकते आप लोग कृष्णा पासवान बिहार सरकार को आग्रह किया है कि सूबे में जितनी भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को चयनमुक्त किया गया है, बिहार सरकार द्वारा दी गई सरकार चयन मुक्ति की वापस ले, यानी कि लगातार सेविका सहायिकाओं के उनके संघ के द्वारा अभी भी ये सिलसिला चल रहा है कि जो उनके नज़दीकी विधायक गण हैं उनके पास वो मांग पत्र सौंप रहे हैं और साथ में अपने चयन मुक्ति को वापस के लिए एक मांग पत्र सौंप रहे हैं कि चयन मुक्ति को वापस लिया जाए। तो ये देखिए, आप सभी को मुद्दा उठ जाता है कि जो आगामी कैबिनेट बैठक होने वाला है, क्या इसमें मानदेय वृद्धि होगा, क्या आप सभी के बारे में उठाया जाएगा, क्या आप सभी की जो चर्चा है यानी कि जो आप लोगों को चयन मुक्ति किया गया है ये वापस लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, बात करने वाले हैं। आप लोगों को बता दें जैसे कि आप सभी को जो आप लोग हड़ताल को रद्द किए हैं तो आप लोग मनपासन पर ही हड़ताल को रद्द किए हैं, तो ये तो निश्चित है कि आप सभी के मानदेय में वृद्धि किया जाना चाहिए और ये निश्चित है कि किया जाएगा, लेकिन कितना किया जाएगा यह अभी हम लोग भी संतुष्ट नहीं है और हम लोग कभी कह नहीं सकता कि कितना मानदेय किया जाएगा। श्री रंग अप्पा वारने ने, यहाँ पर विधायक हैं जो कि उन्होंने जाके मंत्री को ये सौंपा है। ये देखिए आप लोगों को ये कहाँ लेटर दिया गया है और क्या जानकारी है, इसके बारे में हम लोग विशेष प्राप्त करेंगे। आप लोगों को बता दें ये DOMWCD यानी कि ये महिला बाल विकास पदाधिकारी को दिया गया है, जो कि आप सबकी भारत सरकार को है। ठीक है, डायरेक्टली ये भारत सरकार को नई दिल्ली भेजा गया है। देख सकते हैं कि श्रीमती स्मृति ईरानी जो कि आप सभी के सब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हेड हैं, जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को लेटर भेजा गया है। विषय देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, विषय आप लोग यहाँ पर बोला गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं वेतन में वृद्धि के अन्य मांगों पर लेके। तो देखिए, आप सभी की जो मांग है वो केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार यानी कि आप सभी की केंद्र सरकार तक भी मांग जा चुका है, तो स्मृति ईरानी तक मांग जा चुका है। ये निश्चित है कि जब बिहार सरकार कुछ से कुछ आपको मानदेय दिया जाएगा तो पूरे भारत में नई दिल्ली मोदी जी के द्वारा भी आप सभी को एक बेहतर न्यूज़ मिलेगा, जल्द ही मिलेगा। सरकार से आप सभी को सपोर्ट मिल रहा है, ये मिलना तय है। देख सकते हैं आप लोग, आदरणीय महोदय, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भलाई में संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को आपके ध्यान में लाने के लिए लिख रहा हूँ। ये मंत्री वहाँ से लिखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अपर्याप्त वेतन, मासिक पेंशन और कई अन्य मांगों में वृद्धि की मांग को लेकर 9 दिवसीय हड़ताल की गई थी। 5 साल के अंतराल के बाद वेतन वृद्धि 1500 रुपया से लेकर 1000 रुपया तक बढ़ती है। लेकिन बता दें आप लोगों को, और सरकार के द्वारा घर सर्वेक्षण के दौरान आवश्यक जानकारी इकट्ठा करने में इसकी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, देखते हुए विशेष रूप से अपर्याप्त प्राप्ति होती है। पिछले 40 वर्षों में उचित मांगों को लिए उनके निरंतर संघर्ष बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को खुद निराशा पाती है। पिछले साल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आंगनबाड़ी पदों पर वैधानिक स्थिति की पुष्टि करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और अन्य के अधिकार से संबंधित कानूनों को लागू करने या एवं आंगनबाड़ी सरकार समिति के शाखा के रूप में कार्य करते हैं, जबकि सरकार उनके प्राथमिकों को भत्ते के रूप में संदर्भ करते हुए वास्तव में यह एक वेतन है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ग्रेचुटी जैसे लाभों का हकदार है। देखिए, मतलब कि लगातार उनके मंत्री को द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर हड़ताल भी किया गया है और इतना ज़्यादा इनके द्वारा
काम करने के बावजूद भी इनको ग्रेच्युटी नहीं मिलता है और ना ही इनको सम्मानजनक वेतन मिलता है। इसलिए उन्होंने भी गुहार लगाया है कि सरकार से कि जल्द से जल्द इनके मांगों पर विचार करें और इनको उचित मांग देने का कष्ट करें। इस प्रकार से देखिए महिला मंत्री के द्वारा भेजा गया है, उनके पास लेटर भी भेज दिया जा चुका है, इस पर भी उनको जल्द ही जवाब मिल जाएगा। फिलहाल आप लोगों को आगे दिखाएं, देखिए आप सभी के द्वारा भी आपके जो मंत्री मदन साहनी हैं उनको भी आपके विधायकगण के द्वारा, देखिए यहाँ पर आपके विधायकगण हैं, इनके द्वारा किशन पासवान हैं जो कि इनके विधायक के द्वारा आपके मदन साहनी जो कि सीडीएस के अध्यक्ष हैं उनको भी देखिए यहाँ पर लेटर प्रकाशित किया गया, उनको भी सौंपा गया आपके मांग पत्र को। तो देखिए कहीं ना कहीं आपके आपकी बार मुद्दा उठने की ज़्यादा ही आशाएँ लग रही है। तो इस बार कैबिनेट होने वाली बैठक में आप सभी की मानदेय वृद्धि होना निश्चित है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी आप घबराए नहीं, मानदेय वृद्धि होना निश्चित है। अब कितना होगा इस पर हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग का इस पर प्रकाशित किया जाएगा, क्योंकि इसमें कोई अनुमान लगा ही नहीं सकता। चलिए अब लोग कुछ और न्यूज़ के बारे में चर्चा करते हैं। आप लोग को बता दें ये न्यूज़ आप सभी के द्वारा ही वायरल किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है। इसमें हम लोग थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए कोशिश करेंगे जो कि आपको नहीं दिख रहा होगा, इसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या है। देखिए यूपी में डीएम ने अपने 2.25 साल के बच्चे का आंगनबाड़ी केंद्र में कराया दाखिल। अब देखिए इसमें समझने की बात क्या है, आप सभी को बताएं, यही जो मंत्रीगण हैं यानी कि जो अधिकारी हैं ये इन्हीं लोगों के द्वारा कहा जाता है कि जब तक आंगनबाड़ी में 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चे ही उसमें दाखिल कर सकते हैं। इन्हीं लोगों के द्वारा कहा जाता है कि अगर 3 साल के बच्चे नहीं हैं उनको आप लोग आंगनबाड़ी केंद्र में दाखिल नहीं कर सकते। और देखिए इन्हीं के द्वारा यहाँ पर पेपर में साफ तौर से लिखा गया है यूपी में डीएम ने अपने 2.25 साल बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में कराया दाखिल। अब बताइए किस आधार पर उनको दाखिल किया गया। हम लोग उनको कुछ गलत शामिल नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनके द्वारा बहुत ही साधारणीय कदम उठाया गया है कि आंगनबाड़ी में अपने बेटे का दाखिला कराएं, इसके लिए बहुत बहुत उनके लिए शुभकामनाएं। लेकिन बात यहाँ पर ये रहता है कि 2.25 साल बच्चों का यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं हो ही नहीं सकता, कोई नियम कानून नहीं है। बस एक तरह का आप सभी को अगर पब्लिसिटी चाहिए तो पब्लिसिटी के लिए यहाँ पर इस प्रकार से देखिए लिखा गया है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग, और भी आप लोगों को दिखा रही है इसकी विशेष जानकारी यहाँ पर दिया गया है। देखिए आप लोग इसमें देखिए बोला गया है आंगनबाड़ी में बेटों को पढ़ा रही है हाथरस की डीएम। तो देखिए इसमें भी इसी प्रकार से आप लोगों को देखिए दिया गया है, इसमें भी आप लोग थोड़ा सा न्यूज़ पढ़िएगा कि हाथरस की डीएम अर्चना वर्मा सरकारी अफसर और कर्मचारी के लिए धन बन चुकी है। ऐसा इतिहास है कि उन्होंने अपने बेटे का दाखिल किसी बड़े नर्सरी स्कूल की जगह आंगनबाड़ी में कराया है। ये बहुत ही सराहनीय बात है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में इतना बड़ा बदलाव है कि बड़े बड़े अधिकारी भी इसमें अब अपने बेटे को पढ़ने भेज रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बट एक चीज़ देख सकते हैं आप, इसमें भी देखिए बोला गया अधिकारी के बच्चे किसी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन डीएम के कदम ने सभी को चौंका दिया। ये बहुत ही अच्छी बात है। हथरस के डीएम अर्चना वर्मा के पास एक बेटी और एक बेटा है, उन्होंने अपने 2.25 साल के बेटे, अब यहाँ पर भी देखिए 2.25 साल के बेटे, अब ये 2.25 साल के ही हैं और इनको आंगनबाड़ी में दाखिला किया जाता है। तो किस आधार पर किया जाएगा, इनका नामांकन तो लिखा नहीं जाएगा क्योंकि जब तक 3 वर्ष तक नहीं होते तब तक आपको आंगनबाड़ी केंद्र में इनका नाम लिखा ही नहीं जा सकता। तो ये तो एक पब्लिसिटी हो गया, इस प्रकार से पब्लिसिटी लेना है तो आप लोग कुछ भी कीजिए, लेकिन ये पब्लिसिटी है, इस प्रकार से कहीं भी सच्चाई नहीं है। हम लोग बस यही दिखाना चाहते हैं कि देखिए इस प्रकार से पब्लिसिटी को आप लोग बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोग 2.25 साल के बच्चे का यहाँ पर आंगनबाड़ी में एडमिशन नहीं होता है। सभी लोग जानते हैं कि 3 साल से के बाद ही बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्र में यहाँ पर एडमिशन होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों को हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।